हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो सब ठीक होंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है अभी तक, बट ठीक है, मैं आ गई आप लोगों के लिए। तो मैं बना रही हूँ रसम। रसम बहुत अच्छा होता है, आपका इम्यून सिस्टम तेज करता है, और कोल्ड जब हो, बुखार हो, तो रसम दिया जाता है उनको पीने के लिए साउथ में, तो उसकी रेसिपी बनाते हैं। ये मैंने लिया टमाटर, नींबू, मिर्ची, काली मिर्च, लहसुन था और कड़ी पत्ता। तो ये मैं दो टमाटर को ले लूँगी, इसको अच्छे से उबाल लूँगी जब तक ये फट ना जाए। जब फट जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा आपका पक चुका है। तो ये मैंने ले लिया लहसुन, अदरक, काली मिर्च और ग्रीन मिर्ची, सबको लेके मैंने इसके अंदर पीस दिया इसको। मतलब आप अपने हाथों से ही पीस लेना है इसको। ये कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई गर्म करने के बाद तेल डाल दिया मैंने, तेल थोड़ा सा गर्म हुआ, उसके बाद मैंने राई का तड़का दिया इसमें, राई के बाद मैंने डाल दिया कड़ी पत्ता इसमें, उसके बाद जो मसाला हमने पीस के रखा था वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम लोग। उसके बाद मैंने डाल दिया हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, उसको अच्छे से मैं इसमें मिक्स कर लूँगी, क्योंकि जो रसम है वो थोड़ा सा तीखा होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको सर्दी हुई है तो उसमें बहुत बेहतरीन होती हैं, इसमें काली मिर्च भी होती है, तो ये ऑलरेडी इतना तीखा बन जाता है कि आपकी जो सर्दी वर्दी है सब गायब हो जाती है। ये टमाटर को जो उबाला था उसको हम लोग उसका पानी बना लेंगे और उसको हम रसम में डाल देंगे जो हमने मसाला रेडी किया था उसका। तो देखिए ये उसके बाद ऐसा दिखने लगता है। मेरे पास इमली नहीं थी तो मैंने इसके अंदर नींबू डाल दिया। दोस्तों आपके पास इमली है तो आप इमली यूज़ कर सकते हैं। मैंने लेमन डाला इसके अंदर, क्योंकि लेमन डालने से आपका रेसिपी और सुंदर बनता है। उसके बाद देखिए धीरे धीरे इसको मैंने उबाल लिया। रसम एक ऐसी रसम मुझ मेरा बहुत फेवरेट है, आई लव रसम। मैं रसम राइस खा के पूरी ज़िंदगी रह सकती हूँ, और जो साउथ के लोग हैं उनका भी ये फेवरेट रहता है रसम। तो संजोग देखिए कि जब मैंने आज रसम बनाने का सोचा तो मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो गया। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर हरी धनिया जो काट के रखा था इसके अंदर, और इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। दो चार उबाल आ जाएगा तो आपकी रसम एकदम मस्त बन के तैयार हो जाएगी। ये कड़ी पत्ता का एक कली मैंने ऊपर से डाल दिया, क्योंकि कड़ी पत्ता खाना भी बहुत ज़रूरी है रसम में। रसम एक इम्यून सिस्टम आपका तेज करता है, इसमें लहसुन होता है, अदरक होता है, काली मिर्च होती है, तो ये चीज़ें खाने से आपका बहुत अच्छा रहता है स्वस्थ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और कुछ लोग ने मुझे कमेंट किया था कि दे वो लोग मेरी रेसिपी बना रहे हैं, तो जो लोग बना चुके हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको, और ये रसम को ऐसे सर्व कर लीजिएगा। ये रसम आप ऐसे भी खा सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। देखिए इसमें अदरक वगैरह आप देख रहे हैं, तो ये इस तरह से आपका रसम बन के रेडी हो जाएगा, और मेरा फेवरेट है। मुझे आप बताइएगा कि आपको भी अच्छा लगता है क्या रसम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और कोई कंप्लेन करनी हो, कुछ भी करना हो, तो इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे DM कर सकते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।